हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट लाइफ। मैं प्रधान, आपका हुसैन दोस्त। आज हम आए हैं मटियाली चौराहे के पास में काफ़ी अच्छी से आपके लिए रो हाउस लेके, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव है और टूर पे हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करें, तो देखते हैं यहाँ पे आपको हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। तो श्वेता साहब, यहाँ पे क्या क्या मिलती है? अगर हम अंदर की तरफ आपको लेकर आए तो पहले आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है, जिसमें आराम से आपकी सारी सीडेंस पार्क हो जाएंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में अगर हम फर्श की बात करें तो अगर थोड़ा फोकस किया जाए तो आपको हैवी ड्यूटी टाइल्स मिल जाती हैं। साथ में हमारे राइट हैंड साइड पर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है, जिसको आप अपनी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि स्पेस होता है तो वो यूज़ हो ही जाता है। साथ में आपको यहाँ पर भी टैप्स की सुविधा मिलेगी, आप चाहें तो आप इसको मिनी गार्डन सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर भी एक डोर मिल जाता है, जो कि आपको ड्राइंग रूम से जोड़ता है। सामने भी आपको एक डोर मिल जाएगा, जो कि जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ से किचन मिल जाता है। आइए अंदर की तरफ लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आपको दो डोर दिए गए हैं, एक तो एंटी मॉस्किटो डोर है, साथ में आपको डार्क ब्राउन कलर का बहुत ही अच्छा डोर मिल जाता है, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो शायद अप्रॉक्स 8.5 फिट की है। साथ में अंदर आते हुए आपको खिड़कियाँ मिल जाती हैं। अगेन, सारी जितनी भी विंडोज़ आपको यहाँ दिखेंगे उसमें सब में आपको एंटी मॉस्किटो डोर प्लस कांच की यहाँ पर आपको खिड़कियाँ मिल जाती हैं। अगर हम एरिया और थोड़ी सी जगह की बात करें तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पूरे घर में काफ़ी अच्छा एंशिएंट पेंट दिया गया है। पेंट की बात अगर हम कर लें तो अगर आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पेंट करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे टेक्सचर के साथ है, एंशिएंट पेंट यूज़ किया गया है। स्विचेस की अगर हम बात करें तो एंकर के स्विचेस आपको दिए जा रहे हैं, प्लस आपको ड्राइंग रूम में बाकी पीछे दो रूम में आपको केबल कनेक्शन ऑलरेडी सेटअप मिलेगा, प्रीबिल्ट मिलेगा। ऊपर आपको फॉल सीलिंग, आपको खास बात इसलिए ये है इस घर की कि पूरे आपको घर में अलग अलग तरह की फॉल सीलिंग दी गई है। ऊपर आपको देखें तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग दी गई है। नेक्स्ट आपको हम लेकर चलते हैं किचन की तरफ। हमारे राइट हैंड साइड पे आपको किचन मिल जाएगा। किचन में आपको टाइल्स अगर हम फोकस करें तो टाइल्स काफ़ी सुंदर लगाई गई हैं। अगेन, पूरा मॉडलर किचन है ये आपका। इधर आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अच्छी सी दी गई है कबर्ड्स के साथ, जिसमें आप अपनी क्रॉकरी और किचन से रिलेटेड हर एक सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छी खास स्पेस है। ऊपर आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं, मैं खोल करके दिखा दूँ कि आपको कबर्ड्स मिल जाएंगी। साथ में सन फ्लेम की आपको चिमनी दी गई है, यहाँ पर एक खिड़की दी गई है जिससे आप अगेन वेंटिलेशन के लिए खिड़की यूज़ करेंगे एंटी मॉस्किटो डोर के साथ। किचन में आपको यहाँ एक सिंक मिलती है, साथ में आपको ये स्पेस मिल जाता है जिसको आप गीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे अगर राइट हैंड साइड पर हम बात करें तो आपको एक वॉल मिल जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे टेक्सचर के साथ बनाई गई है, काफ़ी सुंदर लुक दे रही है। इधर आपको सेपरेट एक बाथरूम मिलता है अंदर। बाथरूम में जो आपकी फिटिंग्स यूज़ करी हैं वो सेरा और जैगवार की हैं, आप दोनों में से अपने अकॉर्डिंग हो सकता है सेरा या जैगवार। साथ में आपको 3D टाइल्स मिल जाती हैं। जितना भी आप सेटअप देख रहे हैं बाथरूम का, उसमें आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है। जैसे आपको यहाँ पर एक थोड़ा स्पेस मिलता है, जिसमें आपको सेरा की वॉश बेसिन दी गई, यहाँ पर जो स्पेस खाली यहाँ पर एक आपको मिरर लगा करके दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको अगर हम इस साइड दिखाएं, साथ में ये वेंटिलेशन एरिया भी है अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो। इस साइड आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, जो कि मास्टर बेडरूम्स हैं, और जो हमें मास्टर बेडरूम है काफ़ी डिसेंट साइज के साथ हैं कि जब प्लीज अंदर आइए। मास्टर बेडरूम देखें तो अप्रॉक्स जो हमें साइज बताइए 13x8 की है, राइट, सॉरी 13x10 की है। काफ़ी वाइड स्पेस है, जिसमें हमारा एक स्टोर रूम इंक्लूडेड नहीं है, और साथ में यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया जाता है वार्डरोब के लिए, ड्रॉअर के लिए अच्छा खासा वार्डरोब आप यहाँ बना सकते हैं। तो वार्डरोब कंपनी तो नहीं दे रही है, बट स्क्वायर फीट टाइप से अगर आप परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सी प्यारी सी वार्डरोब मिलेगी। साथ में बात करें रूम के अंदर भी हमारे लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का जुगाड़ किया गया, स्पेस दिया गया, एक काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन भी, प्लीज थोड़ा पास में लिखेंगे, मैं वेंटिलेशन दिखाना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन स्पेस है, आप चाहते हैं यहाँ पे विंडो एसी भी अपने इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर भी स्पेस आपको बच जाएगा।
बेस्ट रहेगा जो आप वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करनी काफ़ी अच्छी रहती है। साथ में हर रूम्स में इनबिल्ट आपको केबल वायर मिलेगा, तो मतलब आपको कहीं से तोड़ना फोड़ना केबल वायर के लिए कुछ करनी चाहती है, सारी चीज़ आपको इनबिल्ट मिलते हैं। वो डोर की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी मोटी और मजबूत डोर लगाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और डोर की हाइट बहुत बड़ी है। अगर शायद ये 7 फीट से ऊपर है सर, 8 की बीच की डोर हुई, आराम से मुझे हाइट देखो, तो बहुत बड़ी डोर यूज़ की यहाँ पे, 8.5 हैं क्योंकि जी बताएंगे 8.5 फीट की डोर है, देखते काफ़ी बड़ी डोर यूज़ की, बट आई थिंक इतनी बड़ी डोर की नीड नहीं थी। बट हाँ, बड़ी डोर से रूम बहुत ज़्यादा खुला हुआ लगता है। रूफ की हम बात करें तो आपको एक अच्छी खासी फॉर्सलिंग मिल जाती है, काफ़ी प्यारी फॉर्सलिंग है रूफ पे। इनफैक्ट जिस घरों में फॉर्सलिंग अभी नहीं हुआ या हो रहा है, अगर आप वो बुक करते हैं तो फॉर्सलिंग का डिज़ाइन भी चेंज करवा सकते हैं, साथ में आप इसमें कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जी साथ में ये उसी से कनेक्टेड हमें एक दूसरा रूम मिलता है। आप देखते हैं दूसरे रूम में भी अच्छी खासी स्पेस है, विंडो है, इनफैक्ट सारे रूम में एंटी मॉस्किटो नेट के साथ विंडोज दी गई, जो भी विंडोज एंटी मॉस्किटो नेट के साथ हैं। डोर्स वही सेम 8.5 फीट की डोर्स है, केबल वायर बिल्ट है, और इस रूम में वहां पे हमें वेंटिलेशन मिलता था, इस रूम में हमें वॉशरूम मिलती है, और लिटरली किंग साइज वॉशरूम जिसको कहते हैं वो मिलते हैं। प्लीज आइए, किंग साइज वॉशरूम है, काफ़ी बड़ी वॉशरूम है ये, आपकी 2-in-1 वॉशरूम जिसमें आप नहा और वॉशरूम दोनों आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। कलर कॉन्ट्रास्ट और फ्लोर की बात कर रहे हैं तो इसमें एंटी स्केटिंग टाइल्स लगी हुई है, अथवा अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ऐसी टाइल्स है जो फिसलती नहीं है, पानी में अगर नहाते भी हैं तो ये फिसलन यहाँ पे नहीं होगी, स्लिपरी नहीं होती है टाइल। और ऊपर बात करें इसमें हमें एक अच्छी खासी पोर्सलिन मिलती है। अंग्रेजी प्लीज आप फॉर्सिंग पेन करें, और वही सेम चीज जो मैंने पहले बताया था, फॉर्सलिंग अगर आप वो कर लेते हैं, फॉर्सलिंग नहीं हुई तो डिजाइन चेंज और पेंट भी आप चेंज करवा सकते हैं। चलिए जल्दी आगे आगे की तरफ चलते हैं। तो साथ में हमें ड्राइंग रूम एरिया में भी फॉर्सलिंग मिलती है। प्लीज अंकित जी पैन के सो आपको बाबा पैन करवाना पड़ रहा है, ऊपर पैन कर लीजिए। यहाँ पे डाइनिंग एरिया में भी हमें फॉर्सलिंग मिलती है, किचन में भी फॉर्सलिंग मिलती है, मतलब फॉर्सलिंग उन्होंने भर रखा है, जितना ज्यादा फॉर्सलिंग भर सकते हैं। इनफैक्ट हमें ड्राइंग रूम में भी प्लस आपको फिलिप्स की लाइटिंग, हाँ फिलिप्स की लाइटिंग सारे पॉसिबल, फिलिप्स की लाइटिंग फिर ड्राइंग रूम में भी फॉर्सलिंग है। पर्सनली मुझे ये फॉर्सलिंग काफी अच्छी लगी, आपको श्वेता जी कौन सी फॉर्सलिंग सबसे अच्छी लगी? मुझे हाँ मुझे भी ये वाली ज्यादा अच्छी लगी है। तो ये फॉर्सलिंग हम दोनों काफी अच्छी, काफी अलग सी डिजाइन है। रूफ की बात करें फॉर्सलिंग के बाद भी छत छोटा नहीं हुआ, छत फिर भी अच्छी खासी हाइट पे है, तो आई थी मेरे ख्याल से 10 या 10.5 फीट की छत होगी कम से कम जी। उसके बाद फॉर्सलिंग करने के बाद 10 के आसपास लैंड करेगी। और इसके अलावा सबसे अच्छी खास बात ये है कि आपको एक साल का मेंटेनेंस अलग से मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप एक साल में कुछ भी आपको दिक्कत होती है लाइट से लेकर के फिटिंग से लेकर किसी प्रकार की, तो वो आपको कुछ भी पे नहीं करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी कवर करेगी, लाइट हुआ आपकी फिटिंग में हुई। इनफैक्ट फिटिंग पे 5 साल की वारंटी भी एड ऑन मिलती है, और एक साल तक लाइट में जैसे कई बार होता है फ्यूज हो गया या लाइट स्पार्क कर गया तो उस इलेक्ट्रीशियन कंपनी की आएगी करेक्ट। और आपको हमें यहाँ तक से क्या मिल रही है? हमारी तरफ से जैसा कि हमने बता रखा है, हम आप अगर हमारी तरफ से परचेज करते हो तो आपको वार्डरोब हम बना करके देंगे। सेकंड रूम में आपको वार्डरोब मिलती है। ये एरिया कितना बड़ा है श्वेता जी? डाइनिंग एरिया नहीं, कंप्लीट ये फ्लोर एरिया कंप्लीटली आपको 21 फ्रंट मिल जाता है, आई थिंक 50 आपको डेप्थ मिल जाती है, साथ में टोटल ये 1100 square feet का है। साथ में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगी अप्रॉक्स 1400 square feet हमें कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलती है, जो काफ़ी डिसेंट होता है। ये घर बेसिकली 3 BHK बना हुआ है, बट आपको जो डिलीवर वो 2 BHK डिलीवर होगा। और प्राइसिंग क्या होने वाली 2 BHK की? 2 BHK की और अगर आपको एड ऑन एड करवाने हैं रूम्स तो उसका आपको अलग से स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं रेट देना, जो कंस्ट्रक्शन रेट चलता है पर स्क्वायर फीट आपको बस वो पे करना और आपके पास एक और रूम बन के रेडी मिलेगा करेक्ट। तो चलिए थोड़ा सा हम वॉक थ्रू कर लेते हैं बाहर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। पर मैं चाहूँगा इसको आप गाइड करें साथ में किसी के, ये हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आसपास क्या हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आपको देखने में ही दिख रहा होगा कि सामने आपको 25 फीट की रोड मिल जाती है और कम्प्लीटली इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ रोड है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज दिखाई देगी, नाली कहीं नहीं है, जितना भी आपको नाली और सीवर लाइन वगैरह है वो आपके अंडरग्राउंड दी गई, अंडरग्राउंड आपको नाली मिलती है। ये बहुत एक अच्छी चीज होती है जिससे आपको होता है लोग 25 फीट की रोड तो लेते हैं, रोड नाली से काफी पतला हो जाता है, दो साइड इधर 2 फीट इधर 2 फीट इधर, तो वो 21 फीट के आसपास बचती है। साथ में हमें थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट भी प्रोवाइड होती है, आप अंकित जी पहन कर लें, ये प्रॉपर हमें ग्रीन बेल्ट भी मिलती है यहाँ पे, ये ऐसी रहेगी जब आप परचेज भी करते हैं। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैं स्टार्टिंग में बात नहीं कर पाया था डोर्स के बारे में, एक बार पास लाइए आप डोर्स की क्वालिटी देखिए एक बार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड है क्वालिटी है डोर्स की, काफ़ी अच्छी और प्यारी सिंपल डिज़ाइनिंग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं की गई, काफ़ी सिंपल डिज़ाइनिंग इसमें की गई है, पेंट भी काफ़ी अच्छी की है। यहाँ पे साथ सोचिए कोई मंदिर भी डेवलप हो रहा है? जी, मंदिर के साथ साथ जैसा कि अगर काम आगे चलता है तो आपको कमर्शियल शॉप्स भी मिलने वाली हैं, आपकी सोसाइटी में आपको जितना भी सामान लेना होगा वो आपको आराम से मिल जाएगा, सोसाइटी के अंदर मिलेंगे कमर्शियल शॉप्स आपके इस साइड होने वाली हैं, जी आप ध्यान करिए इस साइड हमारी कमर्शियल शॉप्स आने वाली हैं। साथ में पूरी सोसाइटी में आपको अप्रॉक्स 5 से 6 सीसीटीवी कैमरा सेटअप भी मिलने वाले हैं, सीसीटीवी कैमरा सेटअप मिलेगा, एक साल इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, कमर्शियल शॉप्स मिलेंगी। साथ में हम बात करें तो अंकित जी एक बार थोड़ा सा आप सोसाइटी की इंटीरियर दिखा दें, सोसाइटी किस तरह की डेवलप हो रही है, हाउसेस काफ़ी अच्छे काफ़ी प्यारे से इसको डिज़ाइन किए गए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं रखा गया। और जो आप कहते हैं जो आपके ड्रीम होम्स होते हैं उस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रखी गई, ऐसा नहीं कि किसी को पसंद है, एक मिनिमल डिज़ाइनिंग करें, मिनिमल डिज़ाइनिंग के साथ बनाई गई है, हमें तो पसंद आ गया है। साथ में हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे हैं, तो कुछ हाउस हमें इधर भी मिल जाते हैं जो रेडी टू मूव हैं, हार्डली 15-20 डेज़ में आपको पैसन मिल जाएगा, पैसे इतना टाइम की जो बेसिक आपकी पेंटिंग और जो स्ट्रक्चर होता है उस पर वर्क चल रहा है। साथ में इधर पूरी कम्प्लीटली लैंड है, ये अभी वैकेंट है, आप चाहे तो अभी से अपने लिए लैंड बुक कर सकते हो, कुछ समय बाद आप इस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, ऐसी स्पेस आपको मिलती है। तो और कुछ होता है जो आप इंक्लूड करना चाहेंगे इसमें? जी, जैसा कि हम अपने अपनी तरफ से हम आपको डील बता दें, हमने बताया वार्डरोब आपको मिलने वाली है, साथ में आपको इंश्योरेंस एक साल का हमसे मिलने वाला है, एक साल की इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी वैल्यू इंश्योरेंस होगी, साथ में 6 लाख का थेफ्ट कवरेज फ्री ऑफ कॉस्ट, और ओनर सेगमेंट तो हमारे साथ रहता रहता है। तो कोई भी आपके पास इस प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वारी हो, डिस्क्रिप्शन का नंबर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 24/7 हेल्पलाइन सर्विस अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायनारा, बेटियों।